हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फौना लाइफ। आज हम लोग आए हैं जूलॉजिकल पार्क बोकारो में। तो आज का वीडियो न्यू ईयर के लिए स्पेशल वीडियो है कि न्यू ईयर में जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए कुछ हेल्प हो जाएगा, एनिमल रिलेटेड अपडेट होगा यहाँ पर। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पूरे झारखंड में सिर्फ 3 जूलॉजिकल पार्क्स हैं, बोकारो, जमशेदपुर और रांची में। वर्किंग डेज पर लोग आते हैं यहाँ पर और ज़्यादातर स्कूली बच्चे। देखा जाए तो बोकारो जूलॉजिकल पार्क की कंडीशन बेहतर होनी चाहिए। लोगों को अब तक विश्वास है कि आज नहीं तो कल कंडीशन अच्छा होगा। अथॉरिटी को केयर करना चाहिए, विजिटर नहीं तो एटलीस्ट एनिमल्स की। प्लीज़ कमेंट करें जो भी लोग यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे पीछे ये जो है ये मैप है पूरा जूलॉजिकल पार्क का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख, अब मैं अपडेट देते रहूँगा एनिमल रिलेटेड। यहाँ पर जितना भी कुछ होगा मैं यहाँ का अपडेट दूंगा आपको, और आप लोग बस लास्ट तक वीडियो देखना, होप कि आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले जब हम लोग इंटर करेंगे तो सबसे पहले एंटीलोप के केस में हम लोग को कूस दिखाई पड़ेगा। कूस, जिसको हिंदी में हम लोग राजहंस बोलते हैं। फिर धीरे धीरे जब आगे जाएंगे तो एक बड़ा सा बोर्ड है जिसमें ब्लैक बक का साइन, मतलब ब्लैक बक है, लेकिन ब्लैक बक के केस में सिर्फ ब्लैक बक नहीं है, चीतल भी है, वाइट डियर भी है। ये एक्चुअली दिसंबर का टाइम है, तो दिसंबर का टाइम है ना, तो हिरन लोगों के लिए वहाँ पीछे देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ लकड़ी में आग जलाया गया है ताकि लोगों को गर्म रख सके। देख सकते हैं, देखिए कुछ लकड़ी पड़ा हुआ है और उसमें आग जलाया गया है। जूलॉजिकल पार्क में हमें चाहिए कि हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ को जानें, लेकिन यहाँ का सीन कुछ अलग ही है। आप अगर फैमिली के साथ प्लान करते हो तो आराम से 1 घंटे में घूम सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ को देखना हो और मांझे जो एक बेटर चॉइस हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सांभर हिरन और उसके बाद हिप्पो को देखने मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह रहा हिप्पो पोटेमास का केस। अगर आपको लायन टाइगर देखना है तो यहाँ पर आपको लायन टाइगर नहीं मिलेंगे। कार्निवोर्स में सिर्फ यहाँ पर लेपर्ड है, वो भी 2 है और दोनों सेपरेट सेपरेट केज पे रखे गए हैं। यहाँ तक कि हाइना भी नहीं है, हाइना, ओल, फॉक्स, ये यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लेपर्ड मिलेंगे। इस जू का सबसे बड़ा खासियत हमको यही नज़र आया कि इस जू में किसी भी केस में कोई भी जानवर हो सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा देख ले कि अंदर में है क्या। बाहर में भले ही मंकी का बोर्ड लगा होगा लेकिन अंदर क्या है एक बार कंफर्म कर लें। यहाँ पर लगभग 2 से 3 स्पीशीज है मंकी के। देखो देखो तुम्हें को देख रहा है।
बर्ड का सेक्शन आ गया है जहाँ पर मोर, इंडियन पैरट्स, कोकाटेल्स, बजरीज, टर्की, वाइल्ड डफ, लव बर्ड्स और सबसे लास्ट में पेलिकन देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द बर्ड केज एम्प्टी है या फिर चिकन और गिनी फॉल रखे गए हैं। स्मॉल बर्ड्स और अजगर कैप्चर नहीं हो सका ड्यू टू बैड लाइट्स और कैमरा की वजह से। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।